सरमाल। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, लेकिन बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। लगातार आप देखिए एग्जिट पोल को लेकर किस तरह से अब काउंटडाउन यहां पर शुरू हो चुका है। कुछ ही घंटे महज यहां पर रिजल्ट को लेकर निकल गए हैं, लेकिन आप देखिए 326 से 341 सीटें यहां पर एनडीए को मिलने वाली है और एग्जिट पोल में बीजेपी की शानदार जीत जो है वो बताई जाएगी। मतगणना को लेकर खास इंतजाम यहां पर कर दिए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए आप देखिए किस तरह से इंतजाम जो है वो पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर हो गए हैं। लेकिन फिलहाल आपको ये बताते चलें कि 4 जून का समय महज अब कुछ घंटे के बाद ही शुरू हो जाएगा और कल यहां पर सटीक नतीजा जो है वो देखने को मिलेगा कि आखिर किसे जनता ने जिताकर सामने रखा है। फिलहाल कल 4 जून का समय है और भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल कॉन्फ्रेंस, अपनी पार्टी, अवामी इतिहाद पार्टी और उनके साथ साथ यहां पर आपने देखा कि किस तरह से मैदानी जंग जो है इन सभी पार्टियों ने की है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से आपने देखा कि समीकरण जम्मू कश्मीर के अंदर कहीं ना कहीं बदलते नजर जरूर आए थे, जिसमें जम्मू कश्मीर की 5 सीटें और लद्दाख की 1 सीट पर अब हर किसी की नजर है कि आखिर किस तरह से नतीजे जो है वो कल आएंगे। बताया जा रहा है जिस तरह से एग्जिट पोल यहां पर सामने अपनी बात रख रहा है, देखिए श्रीनगर सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस कहीं ना कहीं यहां पर काबिज होती नजर आ रही है। बारामूला के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस काबिज होती नजर आ रही है, लेकिन उस बीच में अनंतनाग सीट पर कहीं ना कहीं जो निर्दलीय हैं उन पर कहीं आप देखिए किस तरह से मुहाना लगे, ये बड़ी बात देखने को मिल रही है। क्योंकि लगातार हाई प्रोफाइल सीटें सभी यहां पर 5 की 5, लेकिन उस बीच में पीडीपी की कद्दावर नेता महबूबा मुफ्ती भी मैदान में है, मियां अल्ताफ नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से मैदान में है और उनके साथ साथ यहाँ जफर इकबाल मनहास जो कि अपनी पार्टी से यहाँ पर मैदान में है और तीनों के बीच में कांटे की टक्कर मानी जा रही है। और उसी के साथ अगर हम बारामूला की बात करते हैं तो यहाँ पर भी उमर अब्दुल्ला, सज्जाद लोन और इंजीनियर राशिद के बीच में लगातार कांटे की टक्कर है। चलिए पैनल की ओर बढ़ जाएंगे। इस वक्त हमारे साथ आप देखिए दिनेश मल्होत्रा हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका जुड़ने के लिए। उनके साथ ही आदर्श गुप्ता हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी स्वागत। वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, सोहेल काजमी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, तीनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो आदर्श जी मैं आप ही के पास आऊंगी, जिस तरह से आप देखिए एग्जिट पोल जो है अगर हम जेके मीडिया ग्रुप की बात करते हैं तो आप देखिए किस तरह से 543 सीटों पर यहाँ पूरी तरह से इस वक्त मैच जो है वो देखने को मिल रहा है, लेकिन कौन जीतेगा ये बड़ी बात अब देखने को मिल रही है। अगर हम जम्मू कश्मीर की 6 सीटों को लेकर बात करते हैं जिसमें श्रीनगर है, जम्मू है, उधमपुर है, उनके साथ साथ बारामूला, अनंतनाग, राजौरी और लद्दाख के अंदर, किस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि कल आने वाला नतीजा यहां पर क्या कुछ हो सकता है? अनम्यूट कर लीजिए आदर्श जी। 2 महीने तक चुनावों का सिलसिला चलता रहा और एक चेक कीजिए मेरी आवाज इको हो रही जी, है जी। तो उसके बाद अब इंतजार इंतजार की खत्म हो गई है। आज की एक रात है, कल ईवीएम खुल जाएगी, सबके किस्मत जो है ईवीएम में जो बंद थी उसका रिजल्ट सामने आ जाएगा। लेकिन जब तक हम बात करें पूरे देश की तो 10,50,000 के करीब जो है मतदान केंद्र बने हैं जहाँ पे मतगणना शुरू होगी। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर पे 10 जो है मतगणना केंद्र बने हुए हैं, यहाँ कल मतगणना शुरू हो जाएगी 6 बजे और एक मतदान केंद्र जो है वो दिल्ली में बना हुआ है जहाँ पे माइग्रेंट्स ने जो वोट डाले थे उनकी मतगणना वहीं से होगी। जम्मू कश्मीर की 6 सीटों की बात करें तो सबसे लद्दाख, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 6 सीटों की बात करें तो नतीजा जो है सबसे पहले लद्दाख और उधमपुर का सामने आएगा, बहुत जल्दी सुबह जल्दी आ जाएगा नतीजा। बाकी की जो सीटें हैं, अनंतनाग की सीट है या श्रीनगर, बारामूला की सीट है, उसका रिजल्ट आने में थोड़ा समय लगेगा। तैयारियां पूरी हो चुकी है, जिस आपने पहले कहा है मतदान केंद्र के बाहर धारा 144 लगा दी गई है, स्ट्रांग रूम में पहरे जो तो स्ट्रांग कर दिए गए हैं और किसी किस्म की कोई गड़बड़ ना हो प्रशासन ने इसका पूरा ध्यान रखा है। दिनेश जी, एग्जिट पोल जो आ रहे हैं वो आपने भी बताया है, आपके आपके स्क्रीन पे भी चल रहे हैं, उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर की बात करें दिनेश जी, जम्मू और उधमपुर में भारतीय जनता पार्टी दोनों सीटें जीत रही है। जवाब दीजिएगा दिनेश जी, जिस तरह से अगर हम कश्मीर की 3 सीटों पर बात करते हैं जिसमें आगा राहुल्ला
ज्यादातर आप देखिए स्ट्रांग कैंडिडेट जो है वो माने जा रहे हैं, लेकिन बारामूला सीट पर कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर जरूर है, क्योंकि जब तक इंजीनियर राशिद मैदान में नहीं थे तब तक ये लग रहा था कि पीपल कॉन्फ्रेंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में टक्कर है, लेकिन अब तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ साथ अवामी इतिहाद पार्टी से इंजीनियर राशिद भी मैदान में है। क्या लगते हैं किस तरह से कश्मीर के अंदर समीकरण बन सकते हैं, और उसके साथ साथ अनंतनाग राजौरी सीट पर भी बात करिएगा प्लीज। देखिए एग्जिट पोल ने तो तीनों सीट जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को दे दी है, लेकिन मुझे लगता है कि कंटेस्ट सभी सीट पर है। आप राजौरी अनंतनाग राजौरी सीट को आप मतलब इतना इजीली मतलब पीडीपी ये सीट नहीं हारेगी, पीडीपी का फाइट दे रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस को, उसने अपनी पार्टी दी है उसको बीजेपी का सपोर्ट दिया। बारामूला सीट पे कंटेस्ट है, वहां उमर अब्दुल्ला है, जैसे आपने कहा इंजीनियर सीट के आने के बाद वो इंटरेस्टिंग हो गया कंटेस्ट, तो उस सीट के बारे में कुछ नहीं कह सकते। ठीक है जिन्होंने एग्जिट पोल किया जिन्होंने सर्वे किया उनका अपना ओपिनियन है, लेकिन एक सीट है कि सभी सीटों पर कंटेस्ट है, इतना इजी नहीं है। जैसे आपने श्रीनगर सीट की बात की, श्रीनगर सीट में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट शिया होने के कारण उनको पूरा शिया वोट पड़ा है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते वो मजबूत है, क्योंकि वहाँ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी भी काफी मजबूत है। इसलिए चुनाव का नतीजा बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, ये देखते हुए कि वन साइडेड नहीं होने वाला है, ये मेरी अपनी प्रेडिक्शन है, जो भी जीतेगा कम मार्जिन से जीतेगा। तो इतना बड़ा मतलब कि नेक टू नेक फाइट आप भी देख रहे हैं दिनेश जी। सोहेल जी जी आवाज आ रही है? सोहेल जी, सोहेल जी मेरी आवाज आ रही है? जी आशा मैम जी, आप मुझे ये बताइए जिस तरह से उधमपुर और रियासी सीट की अगर हम बात करते हैं, जम्मू और रियासी सीट पर यहाँ पर अगर बात होती है तो जुगल किशोर शर्मा हैं और अमन भल्ला दोनों स्ट्रांग कैंडिडेट हैं, लेकिन इस बार आप देखिए किस तरह से उधमपुर और डोडा की जो सीट थी जहां पर जितेंद्र सिंह और चौधरी लाल सिंह, एग्जिट पोल ये कह रहा है कि दोनों सीटें बीजेपी के खाते में जा रही हैं, लेकिन लाल सिंह जो है वो मैदान में उतरते हैं और वो कहते हैं कि मैं जीत चुका हूं, इस तरह से एग्जिट पोल को मैं नहीं मानता हूं, नकार रहा हूं। देखिए आशा जी बिल्कुल ठीक है, लाल सिंह जी का कहना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो वोटरों का रुझान था उस दिन जब इनकी पोलिंग थी तो वो रुझान दिखा रहा था कि कांग्रेस पार्टी को भी बहुत वोट पड़ा है, और वो हम जब इसको ऑन ग्राउंड देख रहे थे तो ये फाइट जो है 49-51 की है, जो भी जीतेगा बड़े कम मार्जिन से जीतेगा, वो 2-4 लाख-5 लाख वोटों से जीतने वाला बात नहीं है। जहां तक जुगल किशोर साहब की सीट है वो ऑलमोस्ट ऑन ग्राउंड जो है वो बीजेपी ले चुकी है, कोई दो राय नहीं है। राहुल्ला साहब की जो सीट है बिल्कुल एनसी वहाँ सीट ले चुकी है। बारामूला की सीट में जो मेरे पास रिपोर्ट्स आती है वो ये है कि फाइट पहले पीसी और एनसी के बीच में थी, अब फाइट जो है वो इंजीनियर रशीद और उमर अब्दुल्ला के बीच में, तो मुझे लगता है वहाँ भी उमर अब्दुल्ला का अपर हैंड है, क्योंकि इंजीनियर रशीद बेसिकली ही बिलोंग टू पीसी, जो वोट भी वो तोड़ेंगे लेंगे वो पीसी का वोट मतलब होगा। कि सेंटीमेंट का जो वोट था जो कि पीपल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़ा हुआ था वो कहीं ना कहीं बट गया कुछ ऐसा। बिल्कुल बट गया, बिल्कुल आप ठीक कहती है, वो और वो सिंपथी वोट भी है इंजीनियर रशीद, बिकॉज ही एट तिहाड़ जेल हैज नॉट येट बीन कन्विक्टेड, तो वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो वो सिंपथी वोट भी है, और उनकी जो अपनी काम करने का तरीका एज एमएलए रहा है वो भी आपको पता ही है, बड़ा वाइब्रेंट एमएलए रहे हैं वो, तो वो एक उनके बेटे को जब वो इंट्रोड्यूस हुए कंपेनिंग में तो वो सिंपथी भी उनके तरफ गई है। तो अब जो वहाँ जो फाइट है जो दिख रही है, जो मैं सुन रहा हूँ जो बात होती है, तो वो बिटवीन उमर अब्दुल्ला एंड इंजीनियर रशीद है। ठीक है आदर्श जी, ठीक है सोहेल जी, आदर्श जी सोहेल जी कह रहे हैं कि जो यहाँ पर सिंपथी वोट है वो कहीं ना कहीं एक तरफ नहीं हुआ है, वो डबल हो जाएगा यानी कि बट जाएगा पीपल कॉन्फ्रेंस में भी और अवामी इतिहाद पार्टी के अंदर भी, तो वहां से फायदा सीधा सीधा नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी को हो सकता है, और आगा राहुल्ला को तो वो कह रहे हैं कि बिल्कुल यहाँ पर विनिंग कैंडिडेट है, लेकिन अभी पूरी तरह से कंफर्मेशन तो नहीं दी जा सकती है क्योंकि कल नतीजे आने बाकी हैं, 4 जून का समय है और कल जब नतीजे आएंगे तो बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा कि कौन जीता है, कौन यहाँ पर कितने मार्जिन से पीछे रह गया है। आदर्श जी कल ठीक कह रहे हैं क्योंकि इनका वोट बढ़ चुका है, जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रश्न है वो तो शुरू से ही लड़ रहा था इनकी अपर हैंड है। इंजीनियर रशीद की बात करें उनको पास समय ही नहीं है, जेल के अंदर से वहां से कितनी कंपेन आवाज नहीं आ रही है। इन हालात को देखते हुए तीनों की तीनों सीटों पर लग रहा है जिस तरह की नेशनल कॉन्फ्रेंस का एज है, क्योंकि अगर अनंतनाग की सीट की बात करें, अनंतनाग राजौरी की सीट की बात करें तो वहां शुरू बैठा था कि भारतीय जनता पार्टी की सपोर्ट मिलेगी बुखारी को,
लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनकी सपोर्ट नहीं कर पाई, उनके सामने नहीं आई। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, उनको अपना सिंबल नहीं जब दिखाई देता, दूसरे के सिंबल पे बहुत मुश्किल हो जाती है मोर लगाना या बटन दबाना, उनके दिलो दिमाग में जो बैठा होता है, और वो ये सबसे बड़ी मुश्किल बात है। मैंने इससे पहले भी प्रोग्राम में यही कहा था कि ये सिर्फ प्रयोगशाला है आने वाले असेंबली चुनावों की। मतलब कि असेंबली चुनावों की जो पिच है, सेमीफाइनल तो इसी में देखा जा रहा है, और एक पूरी तरह से ग्राउंड जो है वो पार्टियां अपनी अपनी तैयार करेंगी। लेकिन आदर्श जी, अगर हम राजौरी अनंतनाग सीट को लेकर बात करते हैं, महबूबा मुफ्ती काफी स्ट्रांग मानी जाती हैं, मियां अल्ताफ और ज्यादा स्ट्रांग माने जाते हैं, और यहाँ पर जफर इकबाल मनहास जब बीजेपी का सपोर्ट मिलता है तो स्ट्रांग हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात है इनकी गठन जो बना हुआ है, इंडिया गठबंधन आपस में लड़ रहे हैं, वोट तो आपस में तोड़े जा रहे हैं, ये ना दोनों कांग्रेस का अगर वोट टूटेगा, जब गठबंधन का टूटेगा तो आपस में टूटेगा, उसका फायदा है नेशनल कॉन्फ्रेंस में। देखो सबसे बड़ी बात है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो कैंडिडेट है उसका राजौरी और पुंछ एरिया में एक बहुत बड़ा प्रभाव है अपनी कम्युनिटी के अंदर, और लोग बहुत इज्जत करते हैं, अच्छी तरह जानते हैं उनके उनके फादर की भी, उनके दादा की भी, ग्रैंड फादर की, सबकी। और सबसे बड़े मियां अल्ताफ ने आज तक एक भी चुनाव नहीं हारा, एक भी चुनाव नहीं हारा, उनके फादर नहीं हारा, ग्रैंड फादर नहीं हारा, उस एरिया में उनकी एक अच्छी खासी पैठ है। सबको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो राजौरी और अनंतनाग की सीट में अपर है उसका। ठीक है दिनेश जी, लद्दाख सीट पर आते हैं, जिस तरह से हाजी हनीफा जान, शेरिंग नामग्याल, और साथ ही साथ आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर गैलसन को भी मैदान में उतारा गया, लेकिन आदर्श जी कह रहे हैं कि अपर हैंड वहां पर हनीफा जान का है, जो एग्जिट पोल भी बता रहा है कि आदर्श के पाले में वो सीट जाती नजर आएगी और बहुत ही जल्द वो नतीजा सामने आ जाएगा। सुबह देखिए एक एग्जिट पोल ने कांग्रेस को सीट दी है, लेकिन मुझे नहीं लगता, मैंने हमने चुनाव के बाद ही कह दिया था, जब तीन कैंडिडेट वहां चुनाव लड़ रहे थे उसी दिन मैंने क्लियर कर दिया था कि जो हाजी हनीफा जान है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के रेबल कैंडिडेट है, उनका अपर हैंड है। और मुझे, मैं अभी भी उस बात से स्टैंड करता हूँ, उस सीट पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो रेबल कैंडिडेट है वो रेबल कैंडिडेट है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, लेकिन पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस की दिनेश जी वहाँ पर भी एक कहानी अब हो रही है, दिनेश जी वहाँ पर भी एक कहानी हो रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता कहते हैं कि बहुत ही जल्द अगर जीत जाते हैं हाजी हनीफा तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में वापसी करेंगे। क्या लगता है कि एक भरोसा करके अगर आम जनता ने हाजी हनीफा जान को जिताया या वो जीत के सामने आते हैं, क्योंकि अभी तक रिजल्ट नहीं आए हैं तो कहा नहीं जा सकता है कि हाजी हनीफा ही जीतेंगे, लेकिन सीट जरूर बताई जा रही है कि आदर्श के खाते में जाएगी। शेरिंग नामग्याल भी है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, गैलसन भी है बीजेपी की पार्टी से। देखिए ले का वोट फट गया है और कारगिल का वोट यूनाइटेड है, कारगिल में इस बार किस तरह से सभी रैली पार्टी ने ये फैसला किया कि हम अपना एक कैंडिडेट खड़ा करेंगे, उसका फायदा हाजी हनीफा जान को हो रहा है। ये इतिहास रहा है आशा जी, जो एक इससे पहले भी हसन कमांडर यहाँ से चुनाव लड़े थे, उन्होंने भी वैसे चुनाव लड़ा जैसे इस बार हाजी हनीफा ने लड़ा है, वो भी रेबल कैंडिडेट थे लेकिन बाद में उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन कर दी थी। इसलिए मुझे लगता है कि ये मतलब सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, हाजी हनीफा जान फॉर्मली अगर जीतते हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन कर लेंगे, इससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो फिर क्या इसका नुकसान असेंबली इलेक्शंस में भुगतना पड़ सकता है इंडिपेंडेंट या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी को? देखिए हनीफा जान, देखिए करगिल और लद्दाख की खूबसूरती है आशा जी, वहाँ ये खूबसूरती है कि जो प्रेजेंट मुद्दे होते हैं जिनसे करगिल या लद्दाख जूझ रहा होता है वो यूनाइट। चलिए तो कल नतीजे आने हैं और देखना ही होगा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख की कौन कौन सी सीटों पर कौन सी पार्टी जीतेगी। सीधा सोहेल जी आप ही के पास आते हुए अपनी बात पूरी कीजिएगा। आशा जी करगिल और लद्दाख की ये खूबसूरती है, मैं बहुत बार वहाँ गया हूँ, वो ये खूबसूरती है कि प्रेजेंट जो मुद्दे जिनसे वो जूझ रहे होते हैं उसमें वो इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठे होकर वो इलेक्शन लड़ते हैं, और उस यूनानिमस सिस्टम में जो भी कैंडिडेट होता है जिस तरफ दिनेश जी ने इशारा किया वो जीत जाता है। और करगिल में 7,000 वोट लद्दाख से ज्यादा है और वहाँ हमेशा एक डिमांड है कि हमें कॉन्स्टिट्यूएंसी अलग कर दीजिए, वो तो खैर हो नहीं रही और डेवलपमेंट भी उस पेस पे नहीं हुई जिस पेस पे लद्दाख की हुई है पिछले 10 सालों में। तो ये हनीफा जान जो है वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है
और वहाँ जो है प्रॉब्लम कांग्रेस के कैंडिडेट की है और बीजेपी के कैंडिडेट की है। बीजेपी के कैंडिडेट को रिपीट नहीं किया तो वो बीच में बीजेपी वर्कर्स उस तरह का काम नहीं कर रहे अपने कैंडिडेट के लिए, और मुझे लगता है कि अपर हैंड जो है वो हनीफा जान का है, और वो बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन कर सकते हैं, या जो सेटअप गवर्नमेंट का दिल्ली में बनेगा ये भी हो सकता है कि अपनी मांगों को लेके वो उस सेटअप में चाहे। लेकिन सोहेल जी, आम जनता ने अगर भरोसा इंडिपेंडेंटली किया है तो आप देखिए अगर किसी और पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो कहीं ना कहीं क्या खामियाजा असेंबली इलेक्शन के अंदर भुगतना पड़ेगा या नहीं, ये क्लियर कीजिएगा। देखिए वो मैंने पहले ही आपके कहा करगिल और लद्दाख की ये खूबसूरती है कि वो अपने मुद्दों के आधार पर इलेक्शन लड़ते हैं, अपनी जो डिस्क्रिमिनेशन है उस पर इलेक्शन लड़ते हैं, और करगिल के साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन हुई है, मैं खुद भी जानता हूँ, खुद भी किया हूँ, उसी बिरादरी से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे लगता है कि वो बाद में डिसाइडिंग फैक्टर होगा कहाँ जाएंगे, लेकिन अपर हैंड जो है वो हरीफा जान का। ठीक है, आदर्श जी, जम्मू और अगर उधमपुर सीट को लेकर हम बात करते हैं, चौधरी लाल सिंह कह रहे हैं कि किस तरह से बता सकते हैं एग्जिट पोल में कि मैं यहां पर नहीं जीत रहा हूं, वो तो कह रहे हैं कि मैं तो विनिंग कैंडिडेट हूं क्योंकि जिस तरह से वोट पड़े हैं मुझे तो लोगों ने मुबारकबाद भी दी है। अच्छा जी, आज तक 543 सीट है, सभी के सभी आज की रात है, वो तो कल पता चलेगा किसको किसकी किस्मत में वहाँ पार्लियामेंट में जाना है लिखा है, किसकी किस्मत में नहीं लिखा है। ये तो 295 सीटों में कह रहे हैं, ये तो कह रहे हैं 295, लाल सिंह का भी हक बनता है वो भी कहे कि आप मैं जीता हुआ हूँ। इस वक्त तो कोई भी कैंडिडेट ये नहीं कह रहा कि मैं हारा हुआ हूँ, वो तो असलियत कल पता चलेगी ना क्या क्या पोजीशन है वहाँ। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर 35 सालों के बाद इस तरह से बंपर वोटिंग होना बहुत बड़ा सवाल रखता है आदर्श जी, क्योंकि इस बार आप देखिए ना 24 में किस तरह से 58.46% वोटिंग जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर हुई है। बिल्कुल सही कहा, रिकॉर्ड पोलिंग हुई है जम्मू कश्मीर के अंदर, इसमें कश्मीर की हम खासकर बात करें, कश्मीर का तो बहुत रिकॉर्ड पोलिंग हुई है ना, वो तो 30 साल के बाद इतनी पोलिंग हुई है, डेफिनेटली उसका रिजल्ट सामने आएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी सभी कह रहे हैं कि 370 के विरुद्ध में पोलिंग पड़ी हुई है, जो सारी बैठी हुई है, अब ये कह रहे हैं कि हमारी डेवलपमेंट के ऊपर हुई है, ये तो कल पर रिजल्ट पता लगेगा। जरा ये बताइए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी भी दावा करती है, ठीक है आदर्श जी, जी जी दिनेश जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी भी दावा करती है कि 370 जाने के बाद पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में बदलाव आया और विकास हुआ है, और आपने देखा कि किस तरह से काम जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ, लेकिन अगर 3 सीटें बीजेपी यहां पर ले जाती है तो उसका सबूत क्या यहां पर ये रहेगा कि 370 को बहुत अच्छे से लोगों ने यहां पर मंजूर कर लिया है, या फिर अगर 2 सीटों पर बीजेपी सिमट जाती है तो फिर किस तरह से मानसिकता यहां पर रहेगी, क्योंकि ये सवाल बहुत उठ रहा है। देखिए आशा जी, 3 सीटों पर बीजेपी जम्मू कश्मीर से ले नहीं सकती क्योंकि वो चुनाव ही 2 सीटों पर लड़ रही है, वो अपनी पार्टी को सपोर्ट कर रही है, अगर अपनी पार्टी जीती है तो फिर बीजेपी क्लेम करेगी कि हमने 3 सीटें। आदर्श को तो बाहर से सपोर्ट है अनंतनाग राजौरी सीट पर, और जहां बड़ा कार्ड भी खेला गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, पर वो मुझे लगता नहीं है कि वो बीजेपी को कश्मीर में बीजेपी सपोर्टेड, खासकर 12 सीट को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी 2 सीट पर जो बीजेपी की लाइक माइंडेड पार्टी है वो बिल्कुल कंटेस्ट में नहीं है। हाँ, बारामूला में कंटेस्ट आया वहाँ पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, लेकिन बीजेपी अगर 2 सीट जम्मू की प्रोविंस की लेती है तो कश्मीर में अगर तीनों पीडीपी या नेशनल कॉन्फ्रेंस ले जाती है तो ये बीजेपी के लिए सेट बैक है, क्योंकि कश्मीर को लेकर जो उनका सारा पूरा प्रोग्राम था उसके लिए सेट बैक है। लेकिन अगर सोहेल जी, पैंच जिस तरह से उधमपुर सीट पर कहीं ना कहीं फंस रहा है, नेक टू नेक फाइट वहां पर है, और उसके साथ साथ अगर बीजेपी 2 सीटों पर ही सिमटती है और 3 सीटें यहां पर अदर्स के खाते में जाती हैं या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में जाती है, या फिर जिस तरह से पीडीपी पार्टी भी मैदान में है, किसी के लिए भी बोला नहीं जा सकता है अभी तक कि कौन विनिंग कैंडिडेट यहां पर रहेगा, तो फिर किस तरह से समीकरण जम्मू कश्मीर के अंदर बनेगी, क्योंकि 30 सितंबर से पहले पहले यहां पर असेंबली इलेक्शन भी होने हैं। देखिए, बीजेपी जिसको सपोर्ट कर रही है और वो अगर बिल्कुल उनको कल उनकी वोटिंग परसेंटेज क्या रहेगी, जीत तो सकते नहीं दोनों कैंडिडेट, ये तो 100% श्योर है, ना अनंतनाग कुंज से ना बारामूला से, ये तो श्योर है, ना वो किसी रेस में है। दूसरा मैं ये कह दूं कि वो समीकरण तभी पता चलेगा कि उनकी पोलिंग परसेंटेज क्या रही पीसी और बीजेपी को जोड़ के,
इमरान अंसारी को भी जोड़ के उनकी पोलिंग परसेंटेज क्या रहती है, एक दूसरा अनंतनाग में भी अपनी पार्टी और बीजेपी को जोड़ के उनका समीकरण क्या रहता है पहाड़ियों को स्टेटस देने के बाद भी, तो ये अपने आप डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि बीजेपी किस तरह से आगे अपनी रणनीति बनाएगी और अपनी पार्टी का वजूद कहाँ पे है और आजाद साहब की पार्टी का वजूद कहाँ पे है। देखिए उधमपुर की एक ही अच्छी चीज ये है कि अगर सरूरी साहब 10-15 हजार वोट ले तो फर्क नहीं पड़ता है, अगर उनको 40-50 हजार वोट पड़ जाते हैं तो फिर डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब की जीत जो है बिल्कुल पक्की है, क्योंकि वो वोट जो है वो कांग्रेस का टूटेगा, कांग्रेस का टूटेगा। जी सर, जी मैम। आदर्श जी, अगर हम यहाँ पर इस पूरे चुनाव को देखते हैं, चाहे किसी भी पार्टी की जीत हो या फिर किसी भी पार्टी की हार हो, लेकिन यहाँ से क्या नया मुद्दा जम्मू कश्मीर के अंदर पैदा होगा कि विधानसभा चुनावों के अंदर कौन से ऐसे मुद्दे लाए जाएं जिस पर जनता ज्यादातर जो वोट है वो करे, क्योंकि पीडीपी पार्टी आप देखिए पूरी तरह से उसे खत्म तो होती वो देखी गई है, लेकिन दोबारा से उसे किस तरह से रिवाइव में लाया गया महबूबा मुफ्ती की तरफ से, पूरी तरह से सक्रिय मोड पर वो नजर आई, वैसे ही नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के अंदर से भी कई कदावर नेता जो हैं वो बाहर निकल चुके हैं। अपनी पार्टी अभी नई पार्टी है, अभी अपनी पार्टी को स्टैंड करने की कोशिश हो रही है, उसी तरह से पीपल कॉन्फ्रेंस भी अपने काम में लगी हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा लोकसभा चुनाव, और उसके बाद किस तरह से सीटों का बंटवारा विधानसभा चुनावों में होगा ये बड़ी बात है। और उसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी का भी आपने देखा जनाधार जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरह से घटा, क्योंकि सीनियर लीडर बहुत तरीके से कांग्रेस से बाहर आ चुके हैं। अच्छा जी, बिल्कुल सही कहा आपने, इनको अपना वजूद जो है कायम रखना है कश्मीर के अंदर, यही एक वजह है कि महबूबा मुफ्ती ने गठबंधन को छोड़कर अपने ही गठबंधन के विरुद्ध चुनाव लड़ा है। बाकी रही बात की मुद्दू की क्या बात है, सबसे बड़ी बात एक बड़ा प्रश्न जो आपने पूछा वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में 90 सीटों की जगह सिर्फ 36 सीटों पे चुनाव लड़ रही है, दो पार्लियामेंट की सीट पे 36 असेंबली सीट है और 36 के ऊपर उन्हें कितनी सीट मिलती है तो कल पता चलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि आने वाले असेंबली चुनावों में ये इनकी तरफ की नजर है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ भी नजर है और पीडीपी की तरफ भी नजर है कि वहां पे कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी पे, क्योंकि जो इनके कैंडिडेट तो यहाँ है नहीं, कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में विजय हासिल करते हैं, कल को ये समझौता जो है आने वाले दिनों में असेंबली में यह भारतीय जनता पार्टी उन्हीं के साथ गठबंधन करके आगे चले जाएगी, असेंबली चुनावों के लिए जाएगी, ये एक बहुत बड़ी बात सामने आएगी। और इसी को लेके रीजनल पार्टी जो है धारा 370 को लेके फिर एक बार चुनावों में खड़ी होगी कि अगर चुनाव जीत जाते हैं तो यही कहेंगे ये हमने धारा 370 के विरुद्ध जम्मू कश्मीर के लोगों ने वोट किया है, फिर धारा 370 को जिंदा करेंगे ये। ठीक है दिनेश, चुनावों के लिए वो कह रहे हैं कि विधानसभा चुनावों में धारा 370 का ही मुद्दा एक बार फिर से जनरेट करने की कोशिश होगी यहाँ पर रीजनल पार्टीज की तरफ से, लेकिन वो तो गए हुए, आपने कितना समय हो गया, पुराने जमाने की बात जिस तरह से कह रही है बीजेपी पार्टी भी, लेकिन क्लेम कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी किया जा रहा है कि वापस लाया जा सकता है। देखिए आशा जी, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, इन चुनावों में मैंने जो देखा है कि सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी डिवाइड हुई है। तो मेरा ये मानना है कि अगर बीजेपी जम्मू और उदयपुर दोनों सीट 50-50 हजार के कम मार्जिन से जीती है तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी हार होगी, बहुत बड़ा वार्निंग सिग्नल होगा आने वाले विधानसभा चुनावों में, क्योंकि 50,000 जी जी दिनेश जी 50,000 कम मार्जिन से जीता बीजेपी के लिए वार्निंग सिग्नल है, क्योंकि विधानसभा चुनाव 2-4 महीने में होने वाले हैं, अगर पिछले चुनाव में और बीजेपी ने उदयपुर सीट 4.25 लाख के मार्जिन से जीती थी और जम्मू सीट 3.5 लाख के मार्जिन से जीती थी। ठीक है, तो अगर बीजेपी का मार्जिन कम होता 50,000 तो ये बीजेपी के लिए बहुत खतरे की घंटी है। ठीक है सोहेल जी, जाते जाते एक एक कमेंट में आप तीनों से लेना चाहूंगी, सुबह जब रिजल्ट आता है तो आपका जो यहाँ पर एग्जिट पोल है एज पर सोहेल काजमी विशेषज्ञ जिस तरह से राजनीतिक आप बैठे हैं, क्या कहता है कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर कौन कौन सी सीटें और कौन कौन सा यहाँ पर जो नुमाइंदा है वो जीतेगा? देखिए मेरे हिसाब से 3 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस, एक सीट भारतीय जनता पार्टी और एक सीट अनडिसाइसिव है, वो कल पता चलेगा उदयपुर की सीट का, और हनीफा जान इज अ विनर कैंडिडेट। बिल्कुल बिल्कुल उनकी बात मानता हूँ, लेकिन जम्मू की दोनों सीटें जो है भारतीय पार्टी को मेरी कोई जाएगी ऐसा लग रहा है। ठीक है दिनेश जी,
मैं सोहेल जी की बात को इंडोर्स करता हूँ, उधमपुर में कंटेक्ट है लेकिन थोड़ा सा बीजेपी का है, लेकिन कंटेक्ट है उधमपुर में, ताकि जम्मू से बीजेपी कंफर्टेबल है, लेकिन बारामूला में मुझे लगता है थोड़ा सा कंटेक्ट है। क्या सोहेल जी मेरे से डिफर करेंगे क्योंकि वो ज्यादा जानते हैं कश्मीर के बारे में, तो मुझे लगता है थोड़ा सा कंटेक्ट है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सोहेल जी, दिनेश जी और आदर्श जी जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि कल 4 जून को रिजल्ट आने हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि 3 नेशनल कॉन्फ्रेंस और 2 बीजेपी, लेकिन 1 बीजेपी के साथ कांटे की टक्कर हो सकती है, और अगर 50,000 से ज्यादा लीड से बीजेपी जीतती है तो फिर यहां पर आप देखिए किस तरह से फाइट रहेगी। अगर उससे कम मार्जिन में होता है तो फिर कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो डगमगा भी सकती है, लेकिन उसके साथ साथ चौधरी लाल सिंह लगातार ये क्लेम कर रहे हैं कि वो जीत रहे हैं, लेकिन अब कल ही रिजल्ट जब सामने आएगा तो पता चलेगा कि आखिर किस तरह से समीकरण है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।